अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीव विद आयशा। आज हम नया पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं सीएसएस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर वन का, और वो है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। जहां तक स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर की बात है, उसमें एक पोर्शन रह गया डेटरेंस का, वो भी हम कवर करेंगे। और इसके अलावा अब ये वाला पोर्शन कवर कर लेने के बाद सिर्फ दो पोर्शन हमारे रह जाएंगे, अप्रोचेस टू पीस वाला और इंस्टीट्यूशंस वाला, वो भी कवर हो जाएगा। तो उसके बाद मोस्ट अवेटेड, जिसका आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार है और जिसका सबने बहुत ज्यादा कहा, यानी कि थीरीज की एप्लीकेशन और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, ये दोनों चीजें मैं आपको बस आईआर का कोर्स कवर होने ही वाला है उसके बाद इंशाल्लाह बता दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। ये कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे हुआ, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे न्यू रियलिस्ट भी थे और न्यू लिबरल्स भी थे, और उन दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था। हम लोगों ने जब फोर ग्रेट डिबेट्स पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी ना कि 1970s के एरा में न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सामने आ रहा था। तो क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पे न्यू रियलिस्ट का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था और न्यू लिबरल्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप में से कोई लोग मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं और पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं, तो कोल्ड वॉर का जो मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है उसका भी आपको वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। न्यू रियलिस्ट ये कहते थे कि अभी न्यू वॉर इज इन मेकिंग, क्योंकि उनको ये पता था कि यूएसए और यूएसएसआर में कोई ना कोई कॉन्फ्रंटेशन तो चलती ही रहती है। यू2 क्राइसिस हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसके बाद भी काफी सारे इवेंट्स ऐसे होते रहे। तो जब कभी भी कोई फड्डा होता था तो न्यू रियलिस्ट खुश हो जाते थे कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि वॉर इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, वॉर इज द अल्टीमेट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो ये समझते थे कि अब ऐसा होने जा रहा है। वो ये कहते थे कि World War III इज इन मेकिंग। जहां तक न्यू लिबरल्स की बात है तो न्यू लिबरल्स ये कहते थे नहीं, ये कोल्ड वॉर है, ये कोल्ड ही रहेगी और ये खत्म हो जाएगी, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगी, दिस इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट टू अ हॉट वॉर। फिर क्या हुआ उसके बाद, हाँ, जब 1980s का एरा आ गया, 1983 में उस टाइम पे यूएसएसआर का प्रेसिडेंट थे गॉर्बचव। गॉर्बचव ने क्या किया, गॉर्बचव ने एक न्यू पॉलिसी दी थी जिसका नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू पॉलिटिकल थिंकिंग पॉलिसी के नाम से। अब इसमें गॉर्बचव ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, क्योंकि ऑलरेडी यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर वॉर में भी इन्वॉल्व हुआ हुआ था। यूएसएसआर के लोग बहुत ज्यादा तंग थे वॉर्स में जा जाके, क्योंकि यूएसएसआर का वॉर्स में जाने की वजह से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा डिटेरियोरेट हो रही थी। लोग वॉर्स से तंग थे, लोग फ्री नहीं थे, मीडिया फ्री नहीं था, लोग बहुत ज्यादा तंग थे। तो गॉर्बचव ने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, गॉर्बचव ने न्यू थिंकिंग पॉलिसी के नाम से एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें उसने दो तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, एक था ग्लासनोस्ट और दूसरा था पेरेस्ट्रॉयका। पहले ग्लासनोस्ट देख लेते हैं। ग्लासनोस्ट में गॉर्बचव ने यह कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगा। जब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आई थी 1917 में, तो उसके बाद से मीडिया फ्री नहीं था यूएसएसआर के अंदर, और जब मीडिया फ्री नहीं था तो लोगों को ट्रांसपेरेंटली किसी भी चीज की रियलिटी नहीं पता लगती थी। तो ग्लासनोस्ट के नाम से ये पॉलिसी लेके आके गॉर्बचव ने ये बात कही कि मैं ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगा और जितने भी लोग हैं उनको मीडिया के थ्रू हर एक बात का सही सही पता लगेगा। साथ ही साथ उसने मीडिया को फ्री करके ये भी कहा कि कम्युनिज्म के फेवर में प्रोपोगेंडा करना स्टार्ट कर, कम्युनिज्म को एक बेहतर आइडियोलॉजी और एक बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम बना के पेश करो दुनिया के सामने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यूएसए का मीडिया कैपिटलिज्म को बना के पेश कर रहा है। लेकिन हुआ क्या वो हम बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं पेरेस्ट्रॉयका में क्या हुआ। पेरेस्ट्रॉयका की जो पॉलिसी गॉर्बचव ने इंट्रोड्यूस करवाई, इसमें इसने दो बातें कही कि मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आऊंगा और मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेके आऊंगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या होगा, गॉर्बचव ने ये कहा था तो कम्युनिस्ट चाहता भी यही था कि कम्युनिज्म ही फ्लरिश करे, लेकिन गॉर्बचव ने जब ये बात कही कि मैं कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको प्राइवेटाइज करने की इजाजत दूंगा और कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल होगा जिनको इस बात की इजाजत होगी कि वो प्राइवेट बिजनेसेस कर सकेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट बिजनेस की इजाजत देना ये तो एक कैपिटलिस्ट पॉलिसी नहीं है, कैपिटलिज्म को फेवर कर रही है ना। लेकिन उसने अपनी तरफ से ये सोचा कि हो सकता है कि मैं थोड़ी सी लिबरल पॉलिसीज लेके आऊं तो लोगों की सपोर्ट गेन कर पाऊं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिफॉर्म में उसने ये बात कही कि मैं कुछ डिफाइंड एरियाज के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा। अब ये अगेन एक और बात थी जो कि कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी की बात है। इसने यहां पे इन दोनों रिफॉर्म्स के लाने की बात की, यानी कि इंटरनली पहले ही एक कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर कैपिटलिस्ट पॉलिसीज आना शुरू हो गई थी। जहां तक ग्लासनोस्ट की बात है, ग्लासनोस्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं,
तो मेरे सर ये कहा करते थे कि ग्लासनोस की जो पॉलिसी थी उसके तावीज पुट्ठे पड़ गए, यानी कि हुआ क्या कि कम्युनिज्म के फेवर में प्रोपेगेंडा करना था, कम्युनिज्म को बेहतर बना के पेश करना था, लेकिन जब यूएसएसआर का मीडिया फ्री हुआ तो यूएसएसआर के मीडिया ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि कैपिटलिज्म ने दुनिया को एक बेहतर निजाम दिया है, हालांकि कम्युनिज्म ये नहीं कर पाया। और बजाय इसके कि कम्युनिज्म के फेवर में बात करते, यूएसएसआर का अपना मीडिया कैपिटलिज्म के फेवर में बात करना शुरू हो गया। जब ये हुआ तो इसके साथ ही साथ ऑलरेडी यूएसए का प्रोपेगेंडा चल रहा था, और वो क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो ऑलरेडी कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को एक बेहतर निजाम बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, क्योंकि उनका मीडिया फ्री था, उनका मीडिया कैपिटलिज्म को ही फेवर कर रहा था, और यूएसए ऑलरेडी इस बात को बहुत पहले से प्रोपेगेट करता हुआ आ रहा था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यूएसएसआर के अंदर से भी ये आवाजें आनी शुरू हो गई कि कैपिटलिज्म ही बेहतर है और कम्युनिज्म दुनिया को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा पाया जिस तरह से कैपिटलिज्म ने किया है। एज अ रिजल्ट फाइनली गॉर्बचेव को ये बात अनाउंस करनी पड़ी, और गॉर्बचेव ने ये बात अनाउंस की थी कि टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टेरेबल थिंग टू अमेरिका, वी आर गोइंग टू फ्री अमेरिका फ्रॉम इट्स एनिमी। और उस टाइम पे फिर यूएसएसआर ने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि कैपिटलिज्म एक बेहतर निजाम है कम्युनिज्म के मुकाबले में, और यूं कोल्ड वॉर के एंड पे कैपिटलिज्म जीत गया और कम्युनिज्म हार गया। अब हुआ क्या, कोल्ड वॉर का ना तो वो एंड हुआ जो न्यू रियलिस्ट कह रहे थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई, ना वो एंड हुआ जो न्यू लिबरल्स कह रहे थे, कोई कोऑपरेशन नहीं हुई, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना। कोल्ड वॉर का तो एक टोटली डिफरेंट सा एंड हुआ, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में पहले एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो कोल्ड वॉर का एक डिफरेंट सा एंड हुआ था, अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में मिलिट्री के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी ऐड हो रहे थे, चीजें डिफरेंट हो रही थी, चीजें इवॉल्व हो रही थी। अच्छा, तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, उस टाइम पे इस सारे के सारे सिनेरियो में बैरी बोजन ने लिखा था, जो कि एक आर्टिकल था और उसकी इसी नाम से लिखा था, वो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब बैरी बोजन ने जब ये आर्टिकल लिखा था, तो बैरी बोजन ने फिर ये बात कही कि अब 21st सेंचुरी के अंदर क्या होगा, 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ मिलिट्री तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। और इसमें तीन बातें थी जो बैरी बुजर ने एक्सप्लेन की थी। सबसे पहली बात जो बैरी बुजर ने कही वो ये थी कि बैरी बुजर ने रियलिस्ट की जो डेफिनेशन थी सिक्योरिटी की, उसको चैलेंज किया। रियलिस्ट ये कहते थे कि जब एक स्टेट के लिए मिलिट्री थ्रेट नहीं होता तो इसका मतलब है वो स्टेट सिक्योर है। बैरी बुजर ने ये बात कही कि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा नैरो है, इसमें सिर्फ मिलिट्री की बात हो रही है, इसमें सिर्फ स्टेट की बात हो रही है, हालांकि नॉन स्टेट एक्टर्स, सोसाइटल एलिमेंट्स, वो सब और मिलिट्री के अलावा बाकी सारे के सारे जो थ्रेट्स हैं वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं। तो रियलिस्ट की डेफिनेशन को चैलेंज करते हुए बैरी बुजर ने एक्सपेंड कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी को, और बैरी बुजर ने ये कहा कि जो कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, यानी जो मिलिट्री की बात होती है, उसके साथ ही साथ 21st सेंचुरी के अंदर सोसाइटल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर भी सिक्योरिटी के थ्रेट्स होंगे जिनको काउंटर किया जाएगा, और ये सब भी कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी में इंक्लूडेड होंगे। बैरी बुजर्न का ये कहना था कि सोसाइटल लेवल के ऊपर अगर सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन नहीं हासिल करने दी जा रही, तो ये उसके लिए एक थ्रेट है, उसकी प्रोग्रेस के लिए एक थ्रेट है। अगर इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देखें तो किसी स्टेट को या किसी नॉन स्टेट एंटिटी को, किसी मल्टी नेशनल कोऑपरेशन को इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं किया करने दिया जा रहा, तो ये उसके लिए एक थ्रेट है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली किसी स्टेट को पॉलिटिक्स के अंदर डिप्लोमेसी नहीं परस्यू करने दी जा रही, तो ये उस स्टेट के लिए एक थ्रेट है। और अगर एनवायरमेंटल थ्रेट की बात करें तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग की आती है। तो बैरी बुजर्न का ये कहना था कि 21st सेंचुरी के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में ना सिर्फ मिलिट्री इंक्लूडेड होगी बल्कि बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स भी इसका पार्ट होंगे। पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन आया था जिसमें नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान पूछे हुए थे, तो जिसने मिलिट्री से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, मिलिट्री एलिमेंट से ही, उसने तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही गलत कर दी ना। जब नॉन ट्रेडिशनल या फिर अनकन्वेंशनल थ्रेट्स के बारे में पूछा जाएगा तो मिलिट्री के अलावा बाकी सारे के सारे थ्रेट्स
नॉन ट्रेडिशनल हैं या फिर अनकन्वेंशनल थ्रेड्स समझे जाते हैं। तीसरी बात जो बेरी बुज़न ने कही वो ये थी कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर 21st सेंचुरी के अंदर फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होगा। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर जो कि पॉलिटिकल वॉरफेयर होता है और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या मिलिट्री सब फ्रंट्स पे एक साथ हो रहा होता है। टाइप्स ऑफ वॉरफेयर, जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और वहां से आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि जनरेशन ऑफ वॉर क्या थी, वॉरफेयर क्या थी, जिसमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक सब वॉरफेयर्स के ऊपर बात की जाएगी। तो जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी का यही कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ही इसका बेनिफिट हो सके। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।